Good morning, everyone. My name is Someshwar. I welcome all of you on behalf of Arcupling organization to Yog Vashishtha morning sessions in Hindi. नमस्ते, मैं सोमेश्वर, आप सभी का अर्कअपलिंग संस्था की तरफ से योग वाशिष्ठ के सुबह के हिंदी के सत्र में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग 45th सेशन पे है, 45वें सत्र में हम लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं। तो रोज की तरह हम लोग आज के सत्र की शुरुआत ओम का उच्चारण करके करते हैं। तो अपनी आंखें बंद कर ले सब लोग, एवरीबडी क्लोज देयर आईज। एक साधारण सांस अंदर ले और छोड़ दे। एक गहरी लंबी सांस अंदर ले एंड लेट गो। गुरुदेव कहते हैं भूतकाल त्याग करने योग्य है। एक गहरी लंबी सांस अंदर ले और अपने सांस को धीरे धीरे छोड़ते छोड़ते अपने भूतकाल का त्याग कर वर्तमान क्षण में आ जाए। यह वर्तमान क्षण नया है, इस नए क्षण का स्वागत ओम के नाद से करते हैं। ओम का नाद करने के लिए एक गहरी लंबी सांस अंदर ले गुरु का आवाहन कर लें। आवाहनम् गुरु वंदना कर ले। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री श्री
गुरवे नमः। गुरु से प्रार्थना कर ले, अपने मुख से निकलने वाले हरेक शब्द, हरेक वाणी, अपने सारे कर्म एवं विचार अपने बुद्धि के अंदर जागृत होने वाला विवेक और अपने स्मृति के अंदर तैयार हो रहे संस्कार, अभी भी जो थोड़ा बहुत अहम का भाव बाकी है वह भी गुरु की प्रेरणा से ही प्रेरित हो ऐसी प्रार्थना करें। मुमुक्षुत्व की राह पे चलने वाले हम लोग, मुक्ति की राह पे चलने वाले हम लोग, यदि इस क्षण मुक्त हो जाए तो यह उर्वरित जीवन और किसी कारणवश यहाँ पे लौट के आना भी पड़े तो वह भी गुरु की प्रेरणा से ही प्रेरित हो ऐसी प्रार्थना करें। अपने भीतर और बाहर गुरु का सानिध्य महसूस करें और एक हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी प्यारी सी आंखें खोल सकते हो। जय गुरुदेव। तो आज के सत्र को आगे बढ़ाते हैं, अपनी गणेश वंदना, गणेश फेस्टिवल सब लोग मना रहे हैं, आप सभी को भी गणेश उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने सारे जूम के पार्टिसिपेंट्स, अपने सारे यूट्यूब के व्यूअर्स और अपने सारे फेसबुक के व्यूअर्स, इन सभी का भी आज के इस सत्र में स्वागत है। तो गणेश वंदना करके हम लोग इस सत्र को आगे बढ़ाते हैं। आई शेयर माय स्क्रीन एंड वी ऑल विल डू द गणेश वंदना। Thank you.
तो जो हम लोग अभी सुखकर्ता दुखहर्ता जो आरती कर रहे थे, आपने देखा कि अंतरनाद जो आर्ट ऑफ लिविंग ने यहाँ पे पुणे में होस्ट किया था, उसी का चित्रण हम लोग भी देख रहे थे। और वहां पे करीब 27,000 फुट जो चौरस एरिया होता है उसके ऊपर यह स्टेज को उभारा गया था। 2,750 लोगों ने इस आरती को यहाँ पे गाया था। ए इवेंट ये जो थी, ये इटसेल्फ इज अ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो वह जो गणपति बाप्पा है, वह जो सुख करता है, वह आप सबके जीवन में सुख को लाए, आपके जीवन से दुख को हर ले, और आपके जीवन में जो भी पाथ पे आप चल रहे हो उसमें कोई विघ्न ना आए। तो ऐसे बाप्पा से प्रार्थना करते हुए आज के सत्र की शुरुआत हम लोग एक श्लोक उच्चारण के आगे बढ़ाते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कहते हैं किसी भी कार्य को हम लोग करने से पहले हम लोग गणेशा को याद करते हैं, उस गणेशा को, ताकि अपने सारे के सारे जो कार्य है वो निर्विघ्न स्वरूप से अपने आगे बढ़े, उसमें कोई विघ्न या ऑब्स्टेकल ना आए। तो अपना भी यह योग विशिष्ट सत्र चल रहा है, गणपति बाप्पा से यही प्रार्थना रहेगी कि हर हालत में इस सत्र को आगे चलने दें, अपने संघ को बनाए रखें। यही प्रार्थना के साथ हम लोग आज के सत्र को आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि कैसे किस तरह से वशिष्ठ मुनि जो है प्रभु रामचंद्र जी को आत्मज्ञान से अवगत कराते हैं, और उस ज्ञान को अवगत कराते समय कहते हैं कि किस तरह से यह सृष्टि की पूरी उत्पत्ति हुई। तो उत्पत्ति प्रकरण में हम लोग चल रहे हैं। जो लोग नए हैं, शायद नए इस वीडियो को देखेंगे, उनके लिए बता दें कि हम लोग योग वशिष्ठ का यह सुमन महादेवकर जी इनका जो बुक है इसे हम लोग रेफर कर रहे हैं। इसके अलावा इंग्लिश और हिंदी के भी काफी सारे बुक्स हैं, जिसके सारे डिटेल्स हम लोग अपने ग्रुप पे अक्सर शेयर करते रहते हैं। तो पीडीएफ्स भी है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, या इन बुक्स को आप हमारे से मंगा भी सकते हैं। हम लोग सिर्फ मराठी बुक सप्लाई करते हैं, जो हमें डिस्काउंटेड रूप में मिलता है 600 रुपए में। मार्केट में इसकी कीमत 700 रुपया है, बचा हुआ 100 रुपया हम लोग कुरियर चार्जेस के ऊपर यूज करके एक सेवा के माध्यम से आप तक यह बुक पहुंचाते हैं। तो आपको यदि चाहिए तो हमसे जरूर संपर्क कीजिए। तो उत्पत्ति प्रकरण में वशिष्ठ मुनि ने ज्ञान देते हैं, उत्पत्ति प्रकरण का जो क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, किस तरह से इस यूनिवर्स की उत्पत्ति हुई, इस जगत की उत्पत्ति हुई। तो कहते हैं कि चैत्य जो रहता है, विषयों का जो स्फुरण होता है, वही उस परमात्मा में, उस ब्रह्म आत्मा में, ब्रह्म शिव किसी भी नाम से हम लोग पुकार सकते, उसमें उठ जाती है, और उसी की वजह से उसको एक्सप्रेस करने के लिए वह चित्त का उदय हो जाता है। चित्त माने उसको मनन करता है, इसलिए उसको मन भी कहा गया, माइंड भी कहा गया। तो उसी मन में सारे जो अपने अलग अलग पंच तन्मात्रा, पंच महाभूता एंड इसको तैयार करके जो सृष्टि जो होती है, शब्द रूपी तन्मात्रा जो होते हैं अलग अलग, रस गंध, अपना स्पर्श, स्मेल, ये सारे जो है अपने ये पंच तन्मात्रा है, इसकी इसको लेके पंच महाभूतों का निर्माण करके इस सृष्टि को, जगत को निर्माण कर लेते हैं। तो वो कैसे ही मन ही मन में, जो परमात्मा का जो मन है, जो चित्त है, उस चित्त रूपी आकाश में, चित्ताकाश में जो चित्त होता है, वो चित्त से ही यह सब सृष्टि का निर्माण हो जाता है। तो यह चित्त बहुत पावरफुल है। अच्छा, पावरफुल होने के साथ साथ यह अपने आप को रोकता भी है टू अटेन दैट हाइएस्ट नॉलेज, और उसको पहुंचाने के लिए हेल्प भी करता है। तो कैसे है यह चित्त? यह चित्त दोधारी तलवार है। यह ज्ञान जो होता है दोधारी तलवार होता है, इसको सही मायने में सही तरीके से यूज करो तो यह फायदेमंद साबित होता है, और इसको सही तरीके से सही मायने में ना यूज करो तो यह कुतर्क में फंस के आपका विनाश भी कर सकता है। तो बहुत सावधानता के साथ इसको हमें, इस चित्त को संभालना है और इसको देखना है। इसी बात को समझाने के लिए जो अपने वशिष्ठ मुनि है, वह आत्मज्ञान को समझाने के लिए प्रभु रामचंद्र जी को अलग अलग कहानियों के माध्यम से इसको समझाते हैं, ताकि ये बात हमें एक्सपीरियंस पे, अनुभव में आ जाए, समझ में आ जाए। तो हमने देखा लीला सरस्वती और पद्म राजा की आख्यान माने कहानी, मंडपाख्यान हमने देखा,
हमने राक्षस कर्कटी थी उनकी भी कहानी देखी। तो हमने इंदु पुत्र थे कैसे ही अपने ही तपश्चर्य से अपने तपश्चर्या के बल से वह ब्रह्मत्व को भी प्राप्त कर लेते, अपना ही खुद का ब्रह्मांड वह क्रिएट कर लेते। वह शक्ति हम में भी है, वह मन की शक्ति उन्होंने जो यूज की वह हमें भी है, और हम लोग भी अपनी उस शक्ति को यूज करके हाईएस्ट जो भी अपने को अपनी जीवन में प्राप्त करना है उसे प्राप्त कर सकते हैं। फिर आगे चल के हमने देखा कि किस तरह से जो अपने इंद्र होते हैं और अपने जो उनकी जो पत्नी इंद्रद्युम्न की पत्नी अहिल्या होती है, वो कैसे भ्रम में फंस के, कैसे वो किसी के प्रेम पाश में बंधन में फंस के इंद्र के साथ वो अपना जिंदगी गुजारना चाहती है, जन्मों जन्मों तक तो उन्हीं के साथ रहती है। तो उनके जो दृढ़ निश्चय हो जाता है, उनकी जो मन में यह दृढ़ निश्चय हो जाता है, उसी की वजह से वह उनकी मृत्यु भी हो जाती है, उसके बावजूद भी वह किस तरह से एक के दूसरे के साथ पति पत्नी के रूप में ही हर जन्म में आते हैं और उनके जीवन का वह किस तरह से बिताते, अलग अलग योनि में भी उन्हें जाना पड़ता है बिकॉज ऑफ उनके कर्म उस तरह से होते हैं। लेकिन यहाँ पे फिर से वही संकल्प शक्ति, वही अपने मनोशक्ति जो होती है, मनोमय शरीर जो होता है, वो उसकी बात यहाँ पे हमें बताते हैं और उसकी इम्पोर्टेंस, उसका शक्ति का परिचय हमें यहाँ पे होता है। अभी इसी को आगे बढ़ाते हुए जब यह बात सब सुनते हैं तो प्रभु रामचंद्र जी फिर यहाँ पे प्रश्न उठाते हैं, दिखते हैं कि यदि ऐसा है तो यह जो देह है यह नष्ट हो गया तो क्या वो आत्मा की भी हानि होती है। तो वशिष्ठ मुनि यहाँ पे प्रभु रामचंद्र जी को कहते हैं कि यह जो देह है यह देह तो सिर्फ एक नश्वर है, फिर से वह पंच महाभूतों से तैयार होता है, पंच महाभूतों में ही विलीन हो जाता है, लेकिन जो तुम्हारा सेल्फ है जिसको हम लोग आत्मा कहते पुकारते हैं, कई अलग अलग नामों से हम लोग उसको जानते हैं, उसकी कोई हानि नहीं होती, हो भी नहीं सकती। तो जैसे बोलते कि जो वास्तविक जो परमात्मा है वह किसी रूप से किसी भी के लिए बद्ध नहीं है, इसलिए हे राम आप इस व्यर्थ की चिंता कैसे कर सकते हो, इस व्यर्थ की चिंता को आप छोड़ दो। वह जो होती है भ्रांति, वो भ्रांति रूप से जो आता है, इस भ्रांति रूप से ही जो अपने सामने इल्यूजन जो पैदा होता है उसी की वजह से यह हमें ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन जो वह चैतन्य है, जो वह आत्मा है, परमात्मा है, वह अमर है, अनंत है, उसका कभी ना कोई स्टार्ट एंड है ना कोई उसका और छोर है, वो कभी जन्मा नहीं है, अजन्मा है नो? तो उसको कैसे कोई छिन्न विन्न, इस देह के छिन्न होने से उसे क्या फर्क पड़ता है, और वह आत्मा क्या इस देह के छिन्न होने से संतप्त हो जाएगा, बोलते कदापि नहीं। जिस तरह से वो बोलते कि जो लोहार का जो भाता होता है वह भाता नष्ट हो भी गया तो क्या उसके अंदर का जो वायु होता है, उसके अंदर का जो आकाश होता है, क्या वह नष्ट हो जाता है। इस तरह से किसी मटका जो होता है, घड़ा माटी का जो मटका होता है, वो घड़ा टूट जाता है तो क्या उसके अंदर का आकाश नष्ट हो जाता है, वह अपने महद आकाश के साथ वो एक रूप हो जाता है, नष्ट नहीं होता, घड़ा टूट जाता है लेकिन उसके अंदर का आकाश वैसे ही बना रहता है। क्या जो अपना सुगंधित पुष्प रहते हैं, क्या उस पुष्प को हम लोग अगर ये से मिटा देते तो क्या उसकी सुगंध खत्म हो जाती है। सुगंध तो इंसेंस में भी होती है, उद्बत्ती हम लोग लगाते हैं उसमें भी होती है, अपने कई सारे परफ्यूम्स होते हैं उसमें भी सुगंध होती है। अलग अलग आकार भले ही हो, अलग अलग स्वरूप फॉर्म्स भले ही हो, लेकिन सुगंध तो वही ही रहती है। तो उसी तरह से ही जो आत्मा है, जो परमात्मा है, जो शक्ति है जो अपने अंदर निहित होती है, वह शक्ति तो रहती ही है, वह आत्मा तो रहता ही है, उसका कोई और छोर नहीं है, उसका कोई एंड नहीं है, उसका देह के नष्ट हो जाने से, इस नश्वर शरीर के नष्ट हो जाने से अपनी आत्मा को कोई क्षति नहीं पहुंचती, उसको कोई क्षति नहीं पहुंच सकता। जिस तरह से जो मेघ होते हैं और वायु होते हैं, कमल होता है जो भ्रमर होता है, इनका जैसा रिलेशन होता है वैसे ही अपना आत्मा का इस शरीर के साथ होता है। शरीर रहता है नहीं रहता है, वह जो आत्मा है वह तो सदा से है और सदा रहेगा। कालातीत भी इसको कहते हैं, काल से भी यह परे है, काल का भी इसको बंधन नहीं है। तो ऐसा जो सूक्ष्म जिसका यह जगत है, इस जगत का जो सूक्ष्म कारण है जो मन, कि मन ही मन में जो चित्त में ही यह जगत का निर्माण हो चुका है, उसी का भी जो कारण है स्वयं,
जो स्वयंभू है, जो शिव है, जो ब्रह्मन है, उसी मन का भी जो कारण है। तो जो शरीर नष्ट होने से हमने देखा कि कैसे मन को कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मनोमय देह होता है, जो अपना सटल बॉडी होती है, वह कैसे अभी भी अपने संकल्प शक्ति से अपना ब्रह्मांड बनाए रख सकता है, अपने अपने जीवन को भी नए नए जीवन लेते हुए दिखाई देता है, उसको ही कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो परम, जो उसी का भी जो स्वरूप है, उसी का भी जो मूल रूप है, उसे क्या फर्क पड़ेगा। हे राम, तो आप इस व्यर्थ की चिंता को छोड़ दो, जो आत्मा है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भगवद गीता में भी हम लोग यही देखते हैं, नैनम छिन्नन्ति क्षत्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदवन्तोः न शोषयति मारुतः। ना उसको शस्त्र काट सकते हैं, ना उसको अग्नि जो है वह जला सकता है, ना जिसे कोई क्लेश उसको हानि कर सकता है, ना उसको कोई जो वायु है उसको सुखा सकता है। इस तरह से यहाँ पे भगवद गीता में भी यही हम लोग देख रहे हैं। इवनिंग के सत्र में भगवद गीता की चैंटिंग कर रही है, वहां पे भी इस आत्मा का डिटेल्ड में वर्णन किया है और इसकी शक्तियों को कैसे यह आत्मा मता नहीं है, इसका पूरा वर्णन यहाँ पे भगवद गीता में भी कृष्ण जो है वो अर्जुन को इसको सुनाते हैं, इस ज्ञान को देते हैं। तो बोलते हैं जिस तरह से जो अपना जे देह नष्ट हो जाता है, तो वो फिर उसका जो आत्मा होता है वह चिदाकाश में वह जाके विलीन हो जाता है। जिस तरह से जो अपने बर्ड रहता है, छोटा जो बर्ड होता है, वो किस तरह से अपने जो अंडे के पार्श्व तोड़ के बाहर निकल के भरारी मारने के लिए तैयार हो जाता है, उसी तरह से आप इस मनोरूपी, इस देह रूपी जो अपना जो कवच जो है, इसको तोड़ के, इसको नष्ट करके आप उस अपने परमात्मा के साथ एक रूपता महसूस करने लगोगे। तो यह सारी जो अहम की जो वासनाएं है, जो विषयों का जो बंधन हमें महसूस होता है, यह बंधन भी अपने आप इसको छूट जाएगा। जो अहम की जो वासना होती है, वह जो मानसिक शक्ति कहते हैं, उसी वही इस जगत की अविद्या का भी कारण यहाँ पे बना रहता है कि यह वासना रहती है, यह अहम का भाव रहता है, इसी की वजह से लोग अटके रहते हैं इन सारे अनिष्ट विषयों के इसमें। लेकिन जो योग होता है, योग के इसमें से, इससे बद्ध से हम लोग अपने जीव को इससे मुक्त कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार की योनि में यह भ्रमण करते रहता है, उस भ्रांति में फंसा रहता है। लेकिन जो जगत की जो शक्ति है, वो जगत का जो स्वप्न का विस्तार करते रहती है, इसी को यहाँ पे अविद्या कहा गया है। तो इस अविद्या की वजह से ही हम लोग यहाँ पे फंसे रहते हैं। लेकिन हे राम, विचारों को यूज करके उसको देख के, जब तुम इस जगत जीव और इस परमात्मा का जो सही है, दो एक ही है, अलग अलग नहीं है, इस ज्ञान को अपनी मानसिक शक्ति से ही, कल्पना की शक्ति से ही इसे जब आप प्राप्त कर लोगे, तो यह मन भी नष्ट आपका हो जाएगा। कहते ही है कि मनोनाश होने से, जब आपका अमन, कहते हैं कि जब मन ही नहीं है, मन अमन, अमन का होता ही अर्थ है शांति। बल्कि यह जो मन नष्ट हो जाता है, तो अपने आप ही उसी में अपना यह बाकी का जो संसार रूपी जगत है, वह भी उसी के साथ नष्ट हो जाता है और आप उसमें से मुक्त हो जाते हो। तो यहाँ पे पूरे अपने मन की शक्ति को यहाँ पे हम लोग देखते हैं, किस तरह से वह अपने को आगे बढ़ाता है, अपने जीवन को मुक्ति और मोक्ष की राह पे लेके चलता है, किस तरह से अपनी जो कामनाएं, अच्छी कामनाएं जो शुद्ध वासनाएं होती है, उनको भी फलीभूत करने में यह मन ही कारणीभूत होता है, यह मन ही उसको सफल बना सकता है। अभी इसको आगे बढ़ाते हैं। वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि जब यह चर्चा हमारी हो रही थी ब्रह्मदेव से, तो ब्रह्मदेव ने इस मन की शक्तियों को समझाने के लिए और किस तरह से यह मन ही अपने दुखों का कारण भी होता है, इसको बताने के लिए हमें चित्ताख्यान जो है वो बहुत सही तरीके से इसको दर्शाता है। तो वह चित्ताख्यान जो मुझे ब्रह्मदेव ने स्वयं सुनाया था, वही चित्ताख्यान मैं अभी आपको सुनाता हूँ। और हम लोग देख सकते हैं कि कैसे यही मन जो तार भी सकता है और कैसे यही मन हमको मार भी सकता है। तो इसीलिए हमें इस मन को बहुत अच्छी तरह से संभालना होता है, इसको अच्छे मार्ग पे लेके जाने के लिए ही गुरु वचन जो रहते हैं, शास्त्रों के जो वचन रहते, उनके अनुसार अपने कर्म कांडों को रखने होते हैं, ताकि हम लोग इसके मारक स्वभाव से बाहर निकल पाए और उसकी
तारक जो अपना नेचर है स्वभाव, उसमें हम लोग उसको उन्नति के लिए उसको अपने में प्रयोग करके उसका अनुभव हम लोग ले सके। तो यह जो चित्ताख्यान है उसकी शुरुआत हम लोग आज करते हैं, छोटा ही है लेकिन बहुत बहुत पावरफुल है। तो ब्रह्मदेव राम जी को इसको सुनाते हैं कि एक इस तरह का जो घनदाट अरण्य होता है बहुत ही बड़ा होता है, इवन कई योजनों का जो अंतर है वो अंतर भी यहाँ पे एक सूक्ष्म कण की भांति दिखाई देता है, इतना बड़ा यह जंगल होता है। और इस जंगल में मैंने देखा जाके तो वहां पे मुझे एक ऐसा प्राणी, ऐसा एक पुरुष दिखाई दिया जिसके हजारों हजारों हाथ है, जिसके हजारों हजारों आंखें हैं, और यह जो पुरुष है यह यहाँ पे वहां पे भटक रहा है। इसको प्रतीत होता है कि अपने जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। यह अपने जो हजारों हाथ है उनमें जो शस्त्र यह कैरी कर रहा है, उनके हाथ में जो शस्त्र होते उन्हीं शस्त्रों से खुद ही अपने हाथों से खुद ही को यह मारते हुए दिखाई देता है। कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी इधर उधर जाता है, कभी जाके गड्ढे में गिर जाता है, कभी कभी यह दिखाई देता है कि इस तरह से यह अपने आप को क्षति पहुंचाते हुए दिखता है। क्षति पहुंचाता है, कुछ देर जाता है, फिर थोड़ा बैठ जाता है, शांत हो जाता है, लेकिन उसके बाद में फिर से यह उठ के फिर से इधर उधर दौड़ने लगता है, फिर से गड्ढे में गिरता है। कोई लोग गड्ढे में गिरते उसमें से निकल ही नहीं पाते, कोई लोग गड्ढे में से बाहर निकल के आते भी है, लेकिन फिर से वही यह मार्गक्रमण करते हुए दिखाई देता है। तो जो वशिष्ठ मुनि होती है जो वहां पे जो देखते हैं ऐसे पुरुषों को, बोलते हैं मुझे उनकी दया आ जाती है, तो मैं उनके साथ भी जाके बात करता हूँ, उनसे प्रश्न पूछता हूँ कि हे आप यह इस तरह का जो व्यवहार है, इस तरह का व्यवहार आप क्यों कर रहे हो, अपने आप क्यों क्षित, क्या आपको इससे कोई दुख नहीं होता, क्या आपको समझ में नहीं आता कि इससे आपकी ही हानि हो रही है, इसी से आप दुख में फंसे हो, इसी से आप पुनः पुनः वही चीज बार 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 करते हुए दिखाई देते हो। तो बोलते किस तरह के लोग, कोई अलग अलग की प्रक्रिया मुझे यहाँ पे देखने को मिलती है। वह लोग जो बोलते हैं किस तरह से कि आपको दिखाई नहीं देता मैं कितना बिजी हूँ, कितना मेरे को अपने ही कार्य में मैं अपना व्यस्त हूँ, मैं किस तरह से अपने आप को ये प्राप्त करने के लिए, वो प्राप्त करने के लिए किस तरह से मैं दौड़ रहा हूँ, तो उस उनकी जो पुकार रहती है, उनके जो मार्गदर्शन रहता है उसको फॉलो नहीं करते, उसको इग्नोर करते हैं और अपनी जीवन में फिर से वही कार्य वह पुरुष करते हुए दिखाई देता है। अपने आप को ही मारता है, गड्ढे में गिरता है, निकल पाता है तो निकलता है, नहीं तो उधर ही फंसा रहता है, यह फर्ज करते हैं। तो फिर वैसे ही दूसरे पुरुष के पास जाते हैं तो उसको भी वैसे होता है, तीसरे पुरुष के पास जाते हैं उसको आत्मज्ञान देते हैं, जैसे ही यह बताते उनको यह प्रश्न पूछते तो ऐसे दिखाई देता है कि उनका जो मस्तिष्क है वो मस्तिष्क नष्ट हो गया, उनका बिरफ जो छाती का जो एरिया है, उनके हाथ है उनके हाथ नष्ट हो गए, उनके बाहु नष्ट हो गए, उनका जो छाती का एरिया है वह नष्ट हो गया, उनका जो उदर है वह उदर नष्ट हो गया, और वो इस तरह से उनके साथ यह होते हुए दिखाई देता है। तो ऐसे अलग अलग पुरुषों से वह वशिष्ठ मुनि मिलते रहते हैं, उनसे यह चर्चा करते रहते हैं, उन्हें बताते रहते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, इस तरह के प्रश्न उनको पूछते हैं और उनको आत्मज्ञान बताते रहते हैं। तो बोलते यह जो अरण्य है, हे राम आप भी इस अरण्य को भली भांति जानते हो। तो राम जी को तो बड़ी उत्कटता होती है कि अरे क्या है ये, क्या मैं जानता हूँ सच में, कृपा करके मुझे इस अरण्य के बारे में, इस जो पुरुष है इनके बारे में कृपा करके मुझे और इसे समझाइए, कृपा करके मुझे इसके बारे में और बताइए। तो यहाँ पे जो वशिष्ठ है वो बताते हैं कि यह जो पुरुष यहाँ पे जो कहा गया है, यह जो जगत है, ये जो जगत ही अपने को यहाँ पे जो दिखाई देता है, यह जगत ही उस अरण्य स्वरूप है, यह जगत ही वही संसार है जो यहाँ पे है, जो कई गुना ज्यादा ऐसे फैला हुआ है, जिसका ना कोई और है ना कोई छोर है, यह फैला हुआ जो संसार है यही वह अरण्य है। और यहाँ पे जो पुरुष है जिसको हजारों हाथ हजारों आंखें यहाँ पे होती है, वो शस्त्रों से अपनी भी हानि करते रहता है, यह कोई और कोई नहीं है, यह पुरुष ये है वही आपका मन है। तो यह मनी रूपी जो होता है, यह मन ही अपने आप को इस तरह से अटकाए रखता है, इस तरह से अलग अलग विचारों में हमें फंसाता है, इन विषयों के माध्यम से अपने आप की ही यह हानि करते हुए दिखाई देता है।
और दुख को इसको भोगते रहता है। बार बार इस दुख को भोगने के बाद भी इस मन को समझ में नहीं आता, फिर से यह कोई फंसता है, इसी को जाके जो गड्ढा यहाँ पे कहा गया है वो गड्ढे में फंस जाता है, कभी उससे निकल पाता है कभी उससे नहीं निकल पाता है। तो ये बोलते कि वह जो वशिष्ठ उनको जाके जो मार्गदर्शन करता है, यह वशिष्ठ ही जो विवेक रूपी जो अपने वशिष्ठ होते हैं, वह विवेक अपने अंदर ही जागृत होके वो हमें आता है समझाता है। लेकिन उसके बावजूद भी यह जो मन है उस विवेक की जो बुद्धि, सत्सत विवेक जो बुद्धि होती है, उसकी बात सुनता नहीं है और फिर से अपने ही चंचल स्वभाव के कारणवश इसमें यहाँ पे फंसा हुआ दिखाई देता है। फिर जो अलग अलग वर्णन यहाँ पे किए गए हैं, वह अलग अलग वर्णों का भी यहाँ पे वशिष्ठ मुनि आध्यात्मिक स्वरूप में जो मीनिंग होता है, उसका जो ज्ञात होता है, वो सब जाते हुए दिखाई देते हैं कि किस तरह से कुछ जो पुरुष होते हैं जो गड्ढे में गिर जाते हैं, तो माने नरक रूपी यातना को वो भोगते हैं और उस नरक रूपी यातना से बाहर निकलने का मार्ग भी उनको नहीं सूझता है, उस नरक रूपी यातना को ही वह भोगते रहते हैं। किसी को किसी कारणवश कोई वशिष्ठ मुनि मिल जाता है, उनका विवेक जागृत हो जाता है, थोड़े समय के लिए तो उस वहां से विवेक रूप को यूज करके वहां से गड्ढे से बाहर निकालते हुए दिखते हैं, लेकिन फिर से वही मन के स्वभाव में अटक के फिर से वही कार्यक्रमण करते हुए यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो बोलते अटेंड करते हैं लेकिन उसमें रह नहीं पाते, अनावस्थी तत्व जो पतंजलि योग सूत्र में भी कहा गया है कि अनुभव तो होता है थोड़ी देर के लिए लेकिन उसमें हम लोग बने नहीं रह सकते, फिर से वही मन के स्वरूप में फंस के वही कार्यक्रम अपना आगे बढ़ाते रहते हैं और वही फिर से दुखों का अनुभव यह करते रहते हैं। फिर वशिष्ठ मुनि आगे चल के बताते हैं कुछ लोग जो होते हैं जो विवेक की बात मान लेते हैं और फिर इस मार्ग पे चल के पथ पे चल के फिर उनका जो होता है मनोनाश हो जाता है। तो यहाँ पे वही बताया गया कि उनका जो मस्तिष्क जो होता है वो नष्ट हो जाता है, उसका नाश हो जाता है, माने उनके जो संकल्प जो रहते हैं वह नष्ट हो जाते हैं, उनके जो हाथ रहते हैं अलग अलग प्रकार के हाथ वह नष्ट हो जाते हैं। तो बोलते बोलते जो अलग अलग प्रकार के विकल्प उनमें जो छाए होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं। कहते हैं कि उनका जो अपना छाती का जो एरिया होता है वह नष्ट हो जाता है, मन के उनके जो सारे जो विषय होते हैं अलग अलग प्रकार के, उनके जो क्रेविंग्स जो वासनाएं होती है वह नष्ट हो जाती है और उनका उदर नष्ट हो जाता है, मीन्स उनकी सारी जो तृष्णाएं होती है क्रेविंग्स जो होती है वह सारी तृष्णा उनकी जो इच्छाएं जो होती है वह सारी नष्ट हो जाती है और फिर वह आत्मज्ञान के भागी बन जाते हैं और फिर वह फिर इस मनोमय के इसके चक्कर में नहीं फंसते, तो फिर वह अपने जीवन को एक जिस कर्म करना है उसके लिए ही उसी के भांति उसको आगे बढ़ाते हैं। तो बोलते हे राम, यह जो होता है इसको आप इसी की तरह से इसको समझो, यह जो चित्त होता है यह तारता भी है अपने आप को, आत्मज्ञान से अनुभव करने में भी यह मदद करता है और यही चित्त होता है, यही चित्त यदि गलत तरीके से इसमें फंसे रहे तो यह भी अपने लिए मारक भी बन जाता है। तो बड़े अच्छी तरह से इस चित्त को आप संभाले रखना, इस चित्त का स्वभाव आप अच्छी तरह से समझ लेना, इस चित्त को अच्छी तरह से जान लेना और इसमें अपने चित्त में ना फंसना। तो इसलिए बोलते हैं कि हम लोग भी जब आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से किसी को बताने जाते हैं, उनके अंदर के विवेक को ढंडोलते हैं, उनको बताते हैं कि आप फंसे हुए हो, कम ऑन कम आउट ऑफ इट, तो हम लोग अलग अलग लोगों से अलग अलग अनुभव को प्राप्त करते हैं। जिस तरह से वशिष्ठ मुनि जो विवेक रूपी बताते रहता है उनके मन को, वह जिस तरह से अलग अलग स्वरूप में रिया करते हैं, यहाँ पे भी हमको अलग अलग प्राणी अलग अलग स्वरूप से अलग अलग मानव अलग अलग स्वरूप से रिया करते हैं, जब हमको उनको जाके बताते हैं कि आओ चलो जागो, आओ चलो अपने आपको संभालो, आओ चलो आओ आयुर्वेदा जो अपने वेद जो ज्ञान है उसके मार्ग पे चलो, आओ थोड़े अपने दिनचर्या आपको ठीक करो, योगा प्राणायाम ध्यान जो है उसको फॉलो करो, गुरु से कनेक्ट हो जाओ, हम अपने जीवन में गुरु को ला लो, उस मार्गदर्शन पथ पे आप चल रहा हो, तब भी उसके बावजूद भी हमारा इतना कुछ कहने के बावजूद भी कई लोग उसको सुनते हैं कई लोग उसको नहीं सुनते, उनका टाइम भी आएगा जरूर। तो यही बात यहाँ पे सुनाई देती है, यही बात हमें यहाँ पे इस कहानी से सीखने को मिलती है। तो बोलते ये ठीक है, आप अपना जो पथ है उसको संभाले रखो, इस पे चलते रहो, पुनः पुनः इसका वाचन मनन श्रवण चिंतन और निधि ध्यास यह जो प्रक्रिया है इसको जारी रखो,
और इसके ऊपर गुरु के ऊपर हैविंग दैट इमेंस फेथ, श्रद्धा को बनाए रखते हुए सतो दीर्घ कालम ना निरंतर विदाउट एनी गैप, जब हम लोग इसको करते रहेंगे यह दृढ़ निश्चय लेंगे कि एक दिन यह बात हमारे समझ में आई जाएगी और हम लोग मुक्त हो ही जाएंगे। या ऐसा भी सोचो कि आप मुक्ति ऑलरेडी हो, जो है जो हमने यहाँ पे देखा कि जो परमात्मा का जो स्वरूप है हमारे अंदर वसता है, ना उसे कोई बंधन बांध सकता है, ना उसे कोई अग्नि जला सकता है, ना उसे कोई वायु सुखा सकता है, तो वो तो स्वरूप है ही। अब हम सिर्फ अज्ञानवश उस स्वरूप को अनुभव नहीं कर पा रहे, लेकिन तो वो तो मुक्ति है। तो यह भी एक बड़ा डिफरेंट एंगल जो है, जो है हम लोग जब इस पाथ पे चलने लगते हैं तो शुरुआत इस तरह से होती है कि अरे मैं कहीं पे फंसा हूँ, तो फंसने का अनुभव हमें होता रहता है। कोई जो बिजनेस कर रहा है उसको लगता है यार मैं बिजनेस में फंसा हूँ, जो जॉब करता है उसको लगता है यार मैं बिजनेस यदि करूंगा तो मुझे बहुत थोड़ा और ज्यादा समय मिलेगा मुझे जो करना है अपने जीवन में वो करने के लिए, उसको वह जॉब बंधन लगता है, जो उसको बिजनेस है उसको बंधन लगता है बिजनेस की, कैसे मेरे को 24/7 कैसे यह करना पड़ता है। देखो वो जो जॉब करता है वह तो कितना सुखी है, 9 to 6 ही होता है, उसके बाद में वह आराम से अपनी जिंदगी बिताने लगता है। जिनकी शादी हो चुकी थी उनको शादी बंधन लगता है, जिनकी शादी नहीं होती है उनको वह ब्रह्मचर्य, वह जो शादी नहीं करते हैं वह शादी का लड्डी जो खाए वो भी पछता है, जो ना खाए वो भी पछता है, उनको दोनों को वो भी, इसको भी वो बंधन लगता है, उसको भी वो बंधन लगता है। तो जीवन में जो कुछ भी अपने पास होता है उससे हम लोग असमाधानी होते हुए दिखाई देते हैं, जो नहीं होता है उसे प्राप्त करने के लिए उसके पीछे दौड़े पीछे भागते रहते हैं, नॉट रियलाइजिंग वेयर वी आर गोइंग, जानते नहीं है, दिशा ही नहीं होती जीवन में, ऐसे ही इधर उधर भटकते हुए दिखाई देते हैं। तो बोलते ये सब जब होता है तब क्या होता है, अपने जीवन में हम लोग उससे मुक्त होना चाहते हैं, इन दुखों से मुक्त होना चाहते हैं, जो छोटे छोटे प्लेजर मिलते हैं वो इम्परमानेंट प्लेजर आनंद मिलता है उससे मुक्त होके परमानंद चिदानंद जो स्वरूप है शिवोहम शिवोहम उसमें हम लोग बसना चाहते हैं। तो वह मार्ग पे वह जर्नी शुरू होता है। जर्नी कहाँ पे शुरू होता है कि मुझे कुछ तो दुख है, मुझे कुछ तो बंधन है, इस बंधन को पहले हम लोग फील करते हैं। तो गुरुदेव इसलिए बोलते हैं अक्सर कि जो हमने बोरियत होती है हमें, तो यह बोरियत होना अपने जीवन में यह बहुत एक वरदान है कि हम लोग नहीं तो फंसे रहते उसमें, यह बोर नहीं होते उससे तो उसी में फंसे रहते, कभी मुक्ति नहीं होते। तो बोलते यह जो बोरियत जो होती है यह हमारे लिए एक वरदान है, वो बोरियत होती है वह बंधन महसूस होता है, तभी फिर हम लोग उससे मुक्त प्राप्त करने के लिए उस मार्ग पे उस राह पे निकल पड़ते हैं। लेकिन आगे चल के होता क्या है कि जैसे ही इस मार्ग पे निकल चलते हैं, जैसे ही वह सेल्फ इंक्वायरी अपने अंदर सेल्फ अवेयरनेस को जागरण की जो इच्छा शक्ति होती है, शुद्ध वासना जो जागृत हो जाती है, उसी को चलते हुए फिर आगे चलते हुए फिर देखते हैं, जैसे जैसे इस ज्ञान में आगे बढ़ते हैं तब जाके पता लगता है कि जिस बंधन को हम लोग कर्मों को अपना बंधन समझ रहे थे, लेकिन कर्म तो बंधन है ही नहीं, कर्म तो किसी के छूटे नहीं है। फिर आप वो बिजनेस करो या आप वो जॉब करो, आप गृहिणी हो या किसी भी प्रकार का आपका रूटीन हो, कर्मों से छुटकारा किसी को नहीं मिला है, वो मिलता नहीं। जो जिस तरह को हम लोग बंधन समझ रहे थे, शादी को बंधन समझ रहे थे, बिजनेस को बंधन समझ रहे थे, वो तो सचमुच में बंधन है ही नहीं। बंधन तो वो है जो काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर, यह जो विषय है, विषयों की वजह से जो हम लोग बाहर की दुनिया से जो फंसे रहते, यह सच्चे बंधन है। फिर इन बंधनों से मुक्त होने के लिए फिर उसका भी आंसर हम लोग देखते हैं, सेल्फ इंक्वायरी करते हैं कि हुए मैं कौन, मैं हूँ, मेरा जीवन का अस्तित्व क्या है, क्या सच्चाई है, बंधन क्या है और छुटकारा उससे क्या है। मुक्त प्राप्त होने के लिए जिस मुक्ति को हम लोग पाना चाहते हैं, वो मुक्त सच में क्या है, उस मुक्तों के लक्षण क्या है, इस मार्ग के ऊपर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और कुछ समय बाद जब गुरु अपनी जिंदगी में आते हैं, वह जो ज्ञान है वही अपना गुरु बन जाता है, जिस तरह से राक्षसी के रूप में हुआ था, आत्मज्ञान का बोध हो जाता है, तब लग के पता चलता है कि जिसको मैं बंधन समझ रहा था वो तो बंधन है ही नहीं, जिसको मैं समझ रहा था कि बंधन में है उसको तो कोई बंधन में रख ही नहीं सकता, वो तो ऑलरेडी ही मुक्त है। इसलिए बोलते हैं ना कि मैं क्यों बोला आपको कि वो आप ऑलरेडी मुक्त हो, ऐसा मान लो, ऐसा मान लो, जब तक वो बात
अनुभव तक नहीं आती तब तक आपकी श्रद्धा तो रखो कि आप मुक्ति हो। गुरुदेव ने बोला आप मुक्त हो तो आप मुक्त हो, इसी क्षण में मान लो। कोई वेट मत करो कि मैं ऐसा प्रैक्टिस करूंगा वैसा प्रैक्टिस करूंगा और उसके बाद में मैं मुक्त होऊंगा, जो है वो ऑलरेडी ही मुक्त है। तो उसको ना कोई जला सकता है, ना कोई सुखा सकता है, ना कोई उसको मार सकता है, ऑलरेडी ही मुक्त है। इस बात को अपने पल्ले बांध लो तो फिर उस मुक्ति का भी धीरे धीरे क्यों ना हो अनुभव भी अपने जीवन में होने लगेगा। वेरी नाइस, फैंटास्टिक। तो मैं आप आज के अपने वाणी को यहाँ पे रोक लेता हूँ, इस सत्र को आपके हवाले कर देता हूँ। यदि आपके मन में इस सत्र से रिलेटेड कुछ प्रश्न है तो जरूर आप पूछ ले, अपनी शंका का निवारण कर ले। बिकॉज हम लोग जब संघ में यहाँ पे होते हैं तो कई सारे ओपिनियंस हमें यहाँ पे सुनने को मिलते हैं, बड़ा लाभदायक होता है यह संघ साधु संगति। तो जो है संत सब लोग आपके रूप में जो बैठे हैं उनका लाभ उठाए और अपनी शंका का निरसन कर ले। यह जो हमने आज जो चित्ताध्यान देखा उसके बारे में आपका जो लर्निंग है, आपका टेक अवे है, उसके बारे में भी जरूर चर्चा कर ले। तो अलग अलग व्यू पॉइंट हमें मिल जाते, किसी का कुछ टेक अवे होता है, किसी का और टेक अवे होता है, किसी का अंडरस्टैंडिंग अलग होता है। यह बार बार सुनते हैं, बार बार पढ़ते हैं, तो अलग अलग एंगल्स इससे हमारे जीवन में प्रस्तुत होते हैं, तो वह भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। और इसके बाद में अपना दैनंदिन जीवन जीते हुए आपके अनुभव क्या कहते हैं कि क्या है, या क्या आज का जो अभी जो देखा उसके बारे में आपका क्या अनुभव है, वो अनुभव भी हम लोग शुरू शेयर कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आपके प्रश्नों से। किसी के मन में प्रश्न है तो आप जरूर पूछ ले। यहाँ पे अनम्यूट का ऑप्शन मैं यहाँ पे खोल देता हूँ, आप खुद ही अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे एक प्रश्न है कि हम लोग सिर्फ क्या मेडिटेशन से ही मुक्त हो सकते हैं क्या? तो इसका आंसर हाँ भी बोलूंगा मैं और ना भी बोलूंगा। तो यह जो मेडिटेशन जो है ना, जो हमने समाधि देखी, निर्विकल्प समाधि जो देखी, वह एक उपाय है। इसको मेथड कहा गया, टेक्निक कहा गया। यदि आप विज्ञान भैरव देखोगे तो यह विज्ञान भैरव में 112 ऐसे टेक्निक है। हम लोग गुरुदेव में आर्ट ऑफ लिविंग में आए तो हम लोग आर्ट ऑफ लिविंग में भी अलग अलग प्रकार के ध्यान करते हुए दिखाई देते हैं, जो अपने चक्रास है उनके ऊपर ध्यान करते हुए दिखाई देते हैं। हम लोग पतंजलि को पढ़ते हैं तो वहां पे भी हमें अलग अलग यमा नियमाज जीवन में अप्लाई करके उसमें भी ध्यान धारणा और समाधि इस तरह से इसको एड्रेस किया गया है। तो बोलते दीज आर ऑल उपाय, लेकिन ये उपाय ही वह शिव वह ब्रह्म नहीं है, ये उपाय है सिर्फ। और इसको जरिया बना के जिस तरह से आपको ऊपर जाना है तो आप स्टेप्स स्टेयर्स के ऊपर एक के ऊपर एक चढ़ के आगे बढ़ते हो, तो यह सब उपाय है। यह उपाय ही ब्रह्म और शिव नहीं है, तो इनके अपने जीवन में लाए जरूर, बिकॉज वो हेल्प करता है। कि जिस तरह से एग्जाम्पल के रूप में देखे तो जो अपना बीज होता है वो बीज खुद स्प्राउट होता है अपने आप, या आप उसको स्प्राउट कराते हैं। जो आप लोग अपने घर में भी स्प्राउट करने के लिए डालते, पानी वानी डालते उसके अंदर उसको करते, तो आप उसको स्प्राउट कराते हैं या वो अपने आप ही स्प्राउट हो जाता है? वो अपने आप ही, वो बीज जो रहता है, वो जो हम लोग स्प्राउट करने के लिए डालते हैं, वो बीज अपने आप ही स्प्राउट हो जाता है। हम लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या रहता है, या जो फार्मर रहता है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है, वो क्या करता है, उस जमीन को सींचता है। हम लोग अपने घर में डालते हैं तो उस स्प्राउट में हम लोग पानी डाल के भिगो के रखते हैं, दूसरे दिन फिर उसको बांध के रखते हैं, तो फिर वो क्या होता है, स्प्राउट जो होता है ना, जो बीज रहता है अपने आप उसमें से अंकुरित हो जाता है। तो खेती में भी वही होता है, वो उनको डालते हैं बीज को, अपनी भूमि को बनाते हैं, वहां पे पानी डालते हैं, उस तरह का एनवायरमेंट वार्मथ वहां पे बनाते हैं, फिर वो बीज जो होता है वो अपने आप वहां पे अंकुरित हो जाता है। जो जो अंकुरित होने को जो शक्ति है, वो शक्ति निहित ही है उस सेल्फ में, वो सेल्फ जानता है कि अपने आप को अंकुरित कैसे करना है। हम लोग ये ध्यान वगैरह जो बाकी सारे उपाय, इससे उपाय क्या करते हैं कि ध्यान कोई कर नहीं सकता, एक्चुअली ध्यान होता है। जो हम लोग ऐसे बैठ जाते हैं, यह प्रक्रिया है ये, ताकि अपने आपको ध्यान लग जाए। यह प्रक्रिया में ध्यान लग जाता है, ध्यान कोई करने की चीज नहीं है, कुछ ना करने का जो स्वरूप है वो जागृत स्वरूप, यट कुछ नहीं कर रहे, कुछ थॉट नहीं, कुछ भी नहीं है। वो जो एक इन बिटवीन जो होता है ना, वह शिव है, वह आत्मा है, वह है।
ध्यान, वो स्तुरीय अवस्था का अनुभव। तो यह सब प्रक्रियाएं है, जरूर उस स्प्राउट होने को, वो जो बीज होता है उसको अंकुरित होने में मदद करती है जरूर, लेकिन वह अल्टीमेट नहीं है, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो छोड़ना भी नहीं, उसको करते रहना है, अपनी सुदर्शन क्रिया, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन प्रैक्टिस सब करते रहना है, लेकिन इसमें यह फंस नहीं जाना कि ये ही सिर्फ है, और भी कुछ हो सकता है, और भी कुछ है, और हम लोग बहुत सारा जान नहीं सकते, जानने के परे भी कुछ चीजें है। और किसी के मन में कुछ प्रश्न है तो जरूर हम लोग चर्चा उसके ऊपर कर सकते हैं। बीच में भी कभी पूछना है तो पूछ सकते हैं, हम लोग अभी चर्चा सत्र को इससे टेक अवे, आपने इससे क्या सीखा उसके बारे में जानते हैं। तो विल बिगिन विद संगीता जी। थैंक यू सोमेश्वर जी, आप कितना बढ़िया बताते हैं, है ना, सभी बताइए या देखिए, सबका थम्स अप, वर्षा जी का भी आ गया, डबल थम्स अप, यस यस यस, ऑल आर गिविंग यू डबल थम्स अप, सो दैट्स वेरी नाइस, यू टेक इट, यस, जय श्री जी, ऑन योर वीडियो इफ यू वुड लाइक, वी वुड लव टू सी यू, या ठीक है। सो बहुत अच्छे से, बढ़िया से खोल के इतना अच्छा एक्सप्लेन किया, सच में मैं बताऊं, और यही जो विषय है मन का, वो हम, यू नो, वी आर बी लुकिंग मोर इनटू द डेप्थ, और डीप जाके अगर हम देखते हैं तो कितना बढ़िया है। पहले पहले कैसे बताया, वो आई एम जस्ट, यू नो, आई एम जस्ट हियर एंड आई एम going ahead, और अभी जो ऐसा लग रहा है, that is what I am telling you. First is that rakshasi, you know, that karkati rakshasi, right? I don't remember the names, I'm sorry for that. Yeah, karkati rakshasi, we saw uska subhav kaisa tha, rakshasi subhav, but jab usko man mein ek, यू नो, तमन्ना जागी कि, यू नो, एक संकल्प उठा कि नहीं नहीं ये सब मैं जो कर रही हूँ वो अच्छा नहीं है, यू नो, आई शुड गो अहेड, और वो कैसे ज्ञान लेती है, कैसे करती है, वी सॉ दैट, देन वी सॉ हाउ द माइंड गिव्स, शी गेट्स एनलाइटेंड एंड शी स्टार्ट, सो इट वॉज द change in the thought that we had. So we all are like that, you know, having those subhav in us. हमारे अंदर भी वो वैसा ही स्वभाव सब है, you know, और हम अपने को चेंज करते हैं, तो ये मन की चेंजेस देखी हमने, that is also nice, you know, कैसे मन ज्योत स्वरूप होता। Now the second one, जब उसको नहीं होता था, दोस्त कपल, उनको बच्चा नहीं हो रहा था, तो उसने इतना दृढ़ संकल्प किया, you know, दृढ़ संकल्प कि ब्रह्मा had to come, मतलब had to give them the boon कि okay, चलो तुम्हें 10 बच्चे हो जाएंगे, and those also, they were at the age of 7, वो सब एनलाइटेंड हो जाते हैं, दैट वॉज ऑल्सो ग्रेट, दैट इज अनदर मन का पावर दैट वी सॉ। नाउ दोज 10 चिल्ड्रेन, व्हेन दे सिट ऑन द ब्रह्म कमल्स, एंड देन व्हाट हैपेंस, नाउ यू सी द प्यूरिफिकेशन गोइंग ऑन, हाउ दे गेट दैट, कि दैट माइंड इटसेल्फ इज दैट ब्रह्म, दे कैन क्रिएट इट, दैट ब्रह्म, सो यू नो, सी द प्यूरिफिकेशन फ्रॉम दैट राक्षसी, देन वी हैव this couple, those who are really very intensely putting their efforts and doing it for so many years, so the efforts come, yeah, and then those 10 children, now they are enlightened at a very small age because of that, you know, the genes which are coming, I think so, then you see them sitting on the flower, lotus flower, and they are making their own creation, apni khud ka ek wo create karke apni duniya banate hain, to wo brahma bhi acharit, मतलब एस्टोनिश्ड हो जाता है कि ओह माय, व्हाट इज दिस, हाउ आर दे डूइंग ऑल दिस, अगेन द माइंड पावर, सो इफ यू सी द माइंड इज सो पावरफुल, इट कैन जस्ट डू एनीथिंग, सो यू नो, हम उसको कहाँ लगाते हैं, यहाँ तो छोटी छोटी बातों में लगा देते हैं, यू नो, यहाँ तो बाहर मुक जाते हैं, 5 सेंसेस के पीछे दौड़ते हैं, यू नो, दौड़ता रहता है, दौड़ता, और मन, देखो, मन इज इन एक्शन, द माइंड इज ऑलवेज इन एक्शन, बट उसको क्या चाहिए, उसको एक शरीर चाहिए वो सब भोगने के लिए, दैट इज वॉट यू सी, यू नो, आई कैन फील दैट, तो दैट वो जो शरीर के बिना वो कुछ नहीं कर सकता है, तो इसीलिए वो अपनी वासनाओं से, जो भी हम देखते हैं, एवरी टाइम वो एक एक शरीर नाश होता है, दूसरे को वो पैदा कर देता है अपने ही संकल्प से, बिकॉज ऑफ दोज वासनास, हाउ टू डील विद दोज वासनास इज द क्वेश्चन, दैट इज विल कम लेटर,
बट अगेन वी सॉ देयर इज वेरी स्मॉल स्टोरी इन दैट व्हेन वो ब्रह्मा सूर्य के पास जाता है, सूर्य उसको बोलता है तुम अपना काम करते रहो, इनको अपना काम करते रहने दो. मतलब देयर आर मल्टीपल मल्टीपल यूनिवर्सेस इफ यू सी एवरीवेयर, एवरीवन हैज वन यूनिवर्स ऑफ देयर ओन एंड दे आर जस्ट गोइंग ऑन एंड लीडिंग दैट. सो हम जो भी आज है वो क्या है, हमारा ही थॉट है, हमारा ही संकल्प है कि नहीं, वो ही है हम आज. तो वो भी माइंड का ही पावर है. अभी माइंड जो है, जो मन है, वो एक्चुअली में वो यू नो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है. बट व्हाट इज द जर्नी, वी हैव टू मर्ज इट इनटू द इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस. वो अपना ईगो लेके ही चलता रहता है और अपना छोटा 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 यूनिवर्स क्रिएट करता है, बुद्ध बुदे की तरह, एक बबल्स की तरह. एक थॉट उठता है, एक लाश होता है. यू नो जैसे ओशंस में जैसे वेव्स आते हैं वैसे हमको थॉट्स लगते हैं, पर अभी इनको कैसे डील करें इज द क्वेश्चन, है ना. तो एक और छोटा सा एक और स्टोरी है इसमें ही कनेक्टेड है कि एक दिन एक वो पुजारी जाता है, उसको कुछ पूजा का सामान लेके और वो जाता है घर में. इट्स अ वेरी शॉर्ट वन बट यू सी द इंटेंशन बिहाइंड दैट. वो जाता है, जाते जाते उसको एक कोई एक कुएं में गिर जाता है. इट्स अ ब्लाइंड वेल, सो ही डजंट कम्स टू नो कि वो क्या है, और वो कुएं में गिर जाता है. अभी उसका वो सब जो है, वो जो उसने सामग्री लिया था वो भी उसमें सब पानी पानी में ऐसे हो जाता है, खुद भी कुएं में ही है. बट वो वहां पे ही वो अपना जो रिलीजियस राइट्स, जो उसको पूजा करनी थी, वो वही उस कुएं में ही करता है. मतलब इतने दृढ़ निश्चय के साथ वो करता है. तो उसका बोलते हैं कि उसको वो फल भी मिल गया. इट डजेंट मैटर्स कि यू नो कि वो कहाँ था, बट इट वॉज दिस. तो ही वॉज विद दिस एंड ही डिड द रिलीजियस राइट्स एंड ही गॉट द फ्रूट्स ऑफ दैट. इट मीन्स वॉट कि वेर एवर यू आर, कौन सी भी परिस्थिति तुम्हारे पास हो, लेकिन तुम्हारा मन अगर शुद्ध है, प्योर है, इंटेंशन उसका क्लियर है, तो यू गेट दैट फ्रूट्स. इनफैक्ट इट्स द अदर वे राउंड ऑल्सो. अगर मन में कुछ भी ऐसे चल रहा है नेगेटिव, तो ऑफकोर्स वो मन उसको वहां पे लेके जाता है और उसके फ्रूट्स मिलते हैं, है कि नहीं. देखते हैं ना हम, है कि नहीं, कि वो बोलते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा. मतलब मन अगर तुम्हारा प्योर है तो तुम कहाँ भी हो वहां से गंगा शुरू हो सकती है. कठौती में गंगा मीन्स मन से ही गंगा निकलेगी, वो शिव के मस्तक से ही निकलती है ना गंगा, है ना. इसी तरह से बोलते हैं. सो इवन दैट वॉज वेरी नाइस स्टोरी विच आई कुड टेक अवे. एंड ऑफकोर्स यही मन जब प्योर हो जाता है, जब हम अभी अभी साधन करते रहते हैं. अभी साधना कौन सी है, यही जो नॉलेज मिल रहा है, यही जो हम अप्लाई कर रहे हैं. अभी इतना हम ज्ञान सुनते हैं, रोज सोमेश्वर जी आके हमको बताते हैं. इससे पहले भी हमने यतीन जी को सुना, दैट वाज आल्सो वेरी वंडरफुल. सो बीइंग सोक्ड इन दैट आल्सो, यू नो इट लीड्स अस टू दैट वेयर वी हैव टू गो, सो दैट प्योरिटी कीप्स ऑन कमिंग. अभी जो क्वेश्चन पूछा मीनाक्षी ने, इट इज अ मेडिटेशन दैट मेक्स यू प्योर. You know, every day it's like a mental, जैसे dental करते हैं वैसे वो mental अपना बात होता है, अपना ये होता है, clearing होता है. तो इसी तरह से हम अपने साधनाओं में, पुरुषार्थ में अपने रहते हैं, अपने self efforts में रहते हैं, अपने संकल्पों को हम शुद्ध करते जाते हैं. That is what it is. You know, it is that impure minds becomes pure. That is what it is that when we come here and we sit and we listen to that knowledge. अब क्या होता है, वो जो बाहर मुखी मन है, you know, it's going on, running, running, running out of that pleasure. अभी उसको एक ठहराव आ जाता है. वो ठहराव कैसे आता है, जब मन को लगता है कि ठीक है, बस बस हो गया. You know, इसी तरह से एक छोटी सी स्टोरी है. Can I say, do we have the time? सोमेश्वर जी, yeah, it's okay if I say, yeah. छोटी से, okay. मीनाक्षी also says everybody loves my story, but it suddenly comes, you know, I don't know why. So एक दिन एक राजा ने एक अनाउंसमेंट किया. राजा भी नो बैठे बैठे अनाउंसमेंट करते रहते हैं, यू नो हाउ इट इज. सो ही मेड एन अनाउंसमेंट अपने प्रजा को खुश करने के लिए. बोला देखो ऐसे करते हैं कि कल सुबह ना एक हम दौड़ लगाएंगे, रेस, ओके. और सूर्य यू नो राइज होने से, सूर्य जब राइज होता है, सन राइज से हम दौड़ना शुरू करेंगे. और इतना दौड़ो कोई भी
जो भी इतना दौड़ सकता है दौड़ो, लेकिन उसको सनसेट तक अपने घर वापस आना है, मेरे पास आना है। तो वो जितना दौड़ेगा ना, मेरे जो वजीर जो है, जो भी है मंत्री है, वो अपने घोड़े पे होंगे, उसके साथ दौड़ते रहेंगे, और जहां तक वो दौड़ेगा वहां तक उसको वो लैंड मिल जाएगी। यू नो गिव यू द लैंड। चलो, ही वाज इन अ वेरी कंपैशनेट मूड, यू नो राजा। एवरीबॉडी हियर्स दैट नाउ, दैट इज मोर देन अ मैराथन ऑल्सो, बिकॉज मैराथन में भी तो ऐसे ही है ना, भागते रहो भागते रहो भागते रहो, बट क्या होता है उसका एक गोल हो जाता है, खत्म हो गई बात। नाउ दिस इज द अदर वे, यू हैव टू कम बैक ऑल्सो। दौड़ तो लग गई, लेकिन यू हैव टू कम बैक। सब वहाँ बड़े खुश हो जाते, बड़े खुश हो जाते, यू नो वहाँ राजा इतनी लैंड देते हैं, हम छोटे छोटे लैंड के लिए इतनी परेशान हो रहे हैं, झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, ये तो अबंडेंस, कम ऑन। सो यू नो एवरीबॉडी स्टार्ट्स इन द मॉर्निंग ऑल विद द एक्सरसाइज दिस दैट एंड ऑल 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 आर वेरी एंथुसियास्टिक। वो सब गाँव वाले ऐसे आके खड़े हो जाते हैं, अभी सनराइज होता है एंड विसल बजती है, दौड़ना शुरू करते हैं, दौड़ो, दौड़ते रहे दौड़ते रहे दौड़ते रहे। उनके पीछे वजीर भी थे, क्योंकि हर एक कहाँ भी अलग अलग डायरेक्शन में दौड़ रहे थे ना, कोई कहाँ कोई कहाँ कोई कहाँ, दौड़ो जितना लैंड चाहिए ले लो। चलो राजा बैठा था, चलो आते, अभी हो गया आफ्टरनून हो गया, दौड़ते रहे, सहक रहे थे, पानी चाहिए, पानी पी लो। वजीर, नहीं पानी कहाँ से, कुछ भी नहीं चाहिए, आई जस्ट वॉन्ट टू रन, वो एक मीटर वो लैंड भी मेरी निकल जाएगी, चलो। और वहां भागते 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 उसको राजा को जो वजीर है वो उसको चिताव भी देते कि चलो वापस भी तो चलना है। वापस कौन चलता है, अभी मेरे को और तो करने दो, थोड़ा तो एक दो और किलोमीटर दौड़ने दो। वो सब भूल जाते हैं कि उनको वापस आना है। और क्या होता है, जब ही सूर्य अस्त हो जाता है, कई लोग वहीं पे ही ढेर हो जाते हैं, बिकॉज दे डिडंट टेक देयर केयर, दे डिडंट हैव दैट एनर्जी टू कम बैक। एंड व्हाट दे गॉट, बोला राजा ने कि जो जहां पे गिर गया उनको वहीं पे ही दफना दो। हाउ मच लैंड डिड दे गेट वो दफनाने के लिए, इट वॉज दैट 6 फुट दैट यू नीड, दैट वॉज द ओनली थिंग। और उसके लिए हम कितनी दौड़ लगाते हैं, और कोई वापस ही नहीं आया, सब दौड़ते गए आगे, क्योंकि कंडीशन क्या था, यू हैव टू कम बैक। वो होता ही नहीं है। दौड़ कहाँ से शुरू होती है, जब से बच्चा पैदा होता है। चलो भागो, स्कूल जाओ, ये करो, पढ़ाई करो, एमबीए करो, मास्टर्स करो, ये करो, प्रोफेशन करो, करियर बिल्ड करो, दौड़ो दौड़ो दौड़ो, शादी करो, बच्चे पैदा करो। अरे भाई हो गया, अभी तो वापस आना है। वो भूल जाते हैं, वो हमको आके गुरु याद दिलाता है कि वापस भी तो आना है। वहां पे कहां तो एक स्टॉप होना चाहिए जिंदगी का, दैट वी सॉ, जब माइंड जो है ना वो एक स्टॉप लेके आता है कि इट्स इनफ, नाउ आई हैव टू गो बैक। तो वो सूर्य अस्त से पहले वापस आके अपने घर में स्थित हो जाता है। तो सूर्य अस्त क्या है, ये हमारा जब एज बढ़ती है मालूम है, अभी अभी सूर्य अस्त होने वाला है, तो जल्दी से वापस आ जाओ, है ना। वो गुरु आके हमको करवाता है, वो मेडिटेशन से होता है। यू कम बैक टू योर हाउस, टू योर बी स्टेट इन दैट, दैट इज व्हाट इज दैट, यू नो यू गेट दैट फीलिंग फ्रॉम विद इन। वो जो है वो जब हम अंतर्मुख होते हैं तब हमको ये सब कुछ पता चलता है। तो वो एक वे जो है अंतर्मुख होने का, वो है मेडिटेशन। वो जब हम ध्यान में बैठते हैं, करना कुछ नहीं है, इट्स एफर्टलेस, बट समझ जाओ कि हम अपने घर वापस आ रहे हैं। तब हम इतना दौड़ चुके हैं कि एक्चुअली मुझे ऐसे लगता है कि मेडिटेशन जो है ना वो एक गाड़ी की तरह होता है कि गुरुजी बोलता है चलो चलो जल्दी बैठ जाओ, अभी चलो मैं लेके चलता हूँ। एंड यू सी वन मेडिटेशन यू डू एंड ज़िप यू आर देयर, जस्ट गुरुजी कहते हैं कि कम ऑन अपने यू नो ध्यान को सर के ऊपर ले जाओ, एंड दैट्स इट, दैट इज द होल जर्नी विच गुरुदेव हेल्प्स अस with the meditation. And then what happens, जब मन जब ऐसे change हो जाता है तो उसको पता चलता है कि oh my god, मैं कहाँ जा रहा था, किस और मेरी मंजिल, किस और मैं जा रहा था, मंजिल कहाँ है और मैं कहाँ जा रहा था, मुझे तो वापस आना है, मैं तो और दौड़ रहा था। तो वो यू नो इट बिकम्स दैट अवेयरनेस dawns, then it becomes alert, you know, कि ओ माय गॉड नाउ आई हैव टू रियली टेक केयर ऑफ माय सेल्फ, क्योंकि मुझे तो सूर्य अस्त से पहले सब कुछ वापस पहुंचना है।
तो क्या करता है वो, ये सब कुछ अपनाता है, मेडिटेशन, नॉलेज, यू नो, ध्यान करना, मंत्र करना, व्हाटएवर प्रैक्टिसेस वी डू, सुदर्शन क्रिया में आ जाना, गुरुजी टेक्स यू इन द एलिवेटर, आई टू फील दैट, यू जस्ट इमेजिन, ये तो स्टेप्स बताया हमको सोमेश्वर जी ने, बट गुरुदेव इज रेडी विद द एलिवेटर. So we always keep on saying everybody, you know, कि चलो आ जाओ, happiness program कर लो. क्यों? क्योंकि हमको ऐसे लगता है, पता चलता है कि वो कितना fast है ऊपर चढ़ने, है ना? तो जैसे हम लिफ्ट में चढ़ते हैं तो कितना जल्दी जल्दी चढ़ जाते हैं ऊपर, इसी तरह से वो हमको गुरुदेव मेडिटेशन से आगे लेके चलते हैं. तो मन क्या होता है, अभी मन भीग जाता है, मन को बड़ा मजा आ जाता है, वो बाहर की बातें कट कर देता है, चाहिए ही नहीं, क्या कर रहे हैं, है ना? अभी वो भीतर की जर्नी शुरू कर देता है. तो भीतर की जर्नी में उसको पता चलता है कि मेरी संकल्प शक्ति कितनी कितनी पावरफुल है. वो जो 10 जो यंग मैन थे जो कमल के फूल के ऊपर बैठे हैं और वो ध्यान करते हैं और वो पूरा अपना क्रिएशन कर सकते हैं, इसी तरह से हमको भी, हमारा जब ही माइंड शुद्ध हो जाता है ना, ये जो थॉट्स जो अंदर अंदर चलते रहते हैं ना, जो हमको परेशान करते हैं, एक्चुअली वो स्पेस लेके बैठे हैं पहले ही, उनको है ना मेडिटेशन से हम नाश करते हैं. तो व्हाट यू डू इट्स द सेम थिंग, यू नो, कंप्यूटर में अगर आप फालतू की चीजें भर के रख दो रख दो रख दो, वो स्पेस जो है वो यूज अप हो जाती है. फिर वो बताएगा, यू नो, जो स्पेस इज ओनली 10%. But now what happens? You keep on deleting all those things. So again, your space comes back to you. So this is what happens when you sit in the meditation. You keep on deleting those thoughts which are unwanted. And then what happens? The gap between those two thoughts is what you have to experience. You know, that is your Shiva and that is your infinite consciousness, what you are. अब मन को पता चलता है कि अरे बाबा मैं तो क्या कर रहा था, मैं क्या सोच रहा था और मैं क्या हूँ. The power, what I have, is the same power. What is there in the infinite consciousness? अब क्या होता है, वो अपना जो द्वंद है वो निकाल के वो एक रूप हो जाता है. That is what merging yourself into the infinite. वो individual से निकल के, जो छोटी छोटी egos है वो निकल के, वो एक infinite consciousness में merge हो जाता है. अब क्या होता है, अब उसका power change हो जाता है. Now he can do the संकल्प, he can take the संकल्प and it just, you know, he can visualize and it is done, it is done. So he gets that to know ki, oh, I am so powerful. And then what happens? He uses those powers in a better way. You know, for the upliftment, जैसे अभी जैसे श्री रामचंद्र ने what he did, he utilized that power for the upliftment of the society, isn't it? After coming up all this thing, what he does, he uses that power in a better way. So what happens is the same thing. अभी गुरुदेव है, if you see him, what he says, the whole world is my family. See the expansion. So that is what you realize, you know, that expansion, when those 10 young men sit on that lotus flower and they experienced that expansion, we also experience that expansion when we do ahead, we go ahead. And then what happens? You get that to paint in a very big, dream big, you get that canvas. Come on now, paint something else because everything is wiped up. All your sanskar, all your memories, everything and everything just wipes up. And you get the full canvas again to repaint what you want. Now it is in your hands what you want to paint. So dream big. Paint something very nice. Paint something ki, oh, main sabko sunaunga ye gyan. Of course, that will come to you. Isn't it? So you keep on doing that and you see how the divinity takes care of you in that way. So it is like that. So it's very beautiful, you know. I feel if step by step, if really somebody goes ahead, no, it just takes you to that. You don't have to do anything. That's why it is always said ki the meditation is effortless. Because you don't have to do anything in that. You just have to be. So just being in that takes you in that. So that is what it is. And I feel I have been talking a lot, giving others also the chance to talk. This is what actually... listening to Someshwarji and of course the notes which I made, but these are all different what I got today. It was really like something else, you know. So it's that takeaway for me for today, and it is a beautiful one. Of course, if you follow that, it will just be, yeah. Thank you, Meenakshi ji. Just be with that.
ओके थैंक यू जय गुरुदेव ओवर टू यू सोमेश्वर थैंक यू सो मच संगीता जी संगीता जी आई एडेड फ्यू मोर पर्ल्स टू टुडेज नॉलेज सेशन थैंक यू सो मच फॉर दैट नाउ अगेन द क्वेश्चन कम्स बैक व्हाट इज इट दैट वी लर्न फ्रॉम टुडे सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि अपना आज का जो हमने जो सुना उससे अपना टेक अवे क्या था सम ऑफ द व्यू पॉइंट्स संगीता जी ने बहुत बढ़िया बताया देर आर फ्यू मोर थिंग्स दैट आई वॉन्ट टू हियर एंड अगर बाहर नहीं निकलता है तो फिर देन आई विल स्पीक अबाउट इट व्हाट आर योर टेक अवेज आपने आज के जो हमने सत्र देखा उससे आपने क्या सीखा देर आर फ्यू मोर पॉइंट्स जो सीखने लायक है आप अनम्यूट कर ले और आप बताए कि और कौन से पॉइंट से जो आपने सीखे आज के इससे दादी कुछ कहना चाहती दादी ने अनम्यूट किया हाँ दादी बताए संजय जी आप बताना चाहते हैं मस्त प्रवास और उसमें आज का जो था एक राक्षस मराठी बोलो का सोप होईल मला हिंदी ओके आज तो राक्षस म्हणजे विकार मनाचे आणि त्याचे 11 विकार काय डोकं काय सांगितलं त्यांनी डोकं म्हटलं तर काय म्हटले संकल्प सतत जे मनामध्ये येत राहतात आज सगळ्यात आधी तुमची दोघांची पण खूप खूप आभार तुम्ही खूप सुंदर पद्धतीने आज सोमेश्वरजी आणि संगीताजीने कळसच चढवला खूप सुंदर पद्धतीने जे ऐकायला मिळतंय त्यातनं इन्स्पिरेशन मिळतंय काहीतरी व्यक्त होण्याचं सुद्धा आज आपण जे राक्षसणीचे काय म्हणतात ना जंगलामध्ये एक 11 विक्रा राक्षस येतोय त्याचं काय एक डोकं आणि स्वतःला काय स्वतःला दुःख देतो वेदना देतो पीडा देतोय पीडा म्हणजे काय झालं आता ऍक्च्युअल मस्तक आपलं डोकं डोक्यामध्ये काय येत संकल्प सतत उठत राहतात रोज नवे संकल्प आपल्या मनामध्ये उठणारे रोजचे संकल्प म्हणजे डोकं आणि त्यामध्ये दोन्ही हात म्हणजे काय विकल्प संकल्प आपणच निर्माण करायचे विकल्प सुद्धा आपणच निर्माण करायचे संकल्पाचा अडथळा काय विकल्प ते दोन्ही त्यानंतर तृष्णा तृष्णा सांगितली म्हणजे उदर आणि भावना ज्या तुमच्या नकारात्मक आहेत त्या कुठे आहेत छातीमध्ये गुरुदेव सांगतात ना आपण जेव्हा मेडिटेशन करतो मेडिटेशन करते मतलब चक्र मेडिटेशन मेडिटेशन में क्या छाती में हृदय में क्या है भावनाएं है पेट में क्या है उदारता है या तृष्णा एक निगेटिव भाव तृष्णा जब हमारी प्यास जगती है प्यास को तो कोई सीमा नहीं है और वो तृप्त भी तो कभी नहीं पाएंगे हम अभी जो द्वारपाल मिले है चार उससे दूर जाने का मतलब ये सब संकल्प विकल्प तृष्णा और भावना ये सभी पॉइंट्स है जो हमें हमारे गोल से हमारे मुक्ति से हमें दूर लेके जाती है हमें इसी हालत में वो चार द्वारपालों के संग क्या करना है उसमें समाधान है संतोष संतोष जो तृष्णा के विरुद्ध है वो पाना है संतोष पाते हैं सम रखते हैं अनुसंधान करते हैं अपने आप पे विकल्पों की संख्या संकल्पों की संख्या ही कम करते क्योंकि मन को हम जितने संकल्पों से दूर रखेंगे उतना मन का चैटरिंग कम हो जाएगा उसमें विकल्प जितना कम डालेंगे जो भी संकल्प बचे हैं वो पूर्णत्व में जाने के लिए हमें सहायभूत रहेंगे क्योंकि विकल्प ही तो संकल्प में बाधक होते हैं ना तो बस ये आज का पॉइंट ऑफ व्यू है बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद संजय जी ने और एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा और कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है बीबी उसके बारे में जानना जरूरी वर्षा जी आपको क्या लगा आपने जब इसको सुना आज माला आई मेडिटेशन क्लब से सगळ्या टीम से खूप खूप आभार मानते आजचा दिवस हा ऋषीपर्णीचा दिवस आहे आणि आपल्या म्हणजे हे जे ऋषी आहेत आपण त्यांना मूळ पुरुष म्हणतो त्यांच्याबद्दल आदर कृतज्ञता आणि त्यांचे ऋण आठवण्याचा आजचा हा दिवस आहे आणि त्या काळात आपण हे आज योग वैशिष्ट्य ऐकतोय ही खूप खुशीची गोष्ट आहे आणि दुसरं म्हणजे मला संगीताताईंविषयी सांगायचंय
की त्यांची जी एनर्जी आहे तर त्याच्यात ना आम्हाला इतकं म्हणजे कूल फील होतं ना, आणि त्यांची सांगण्याची गोष्टीत ना, म्हणजे ह्या गोष्टी 50-55 वर्षापूर्वी पण लहानपणी ऐकलेल्या आहेत, पण त्यांनी याच्याशी त्याचं जे जोडलेलं असतं ते खूप छान आहे. दुसरं म्हणजे मेडिटेशनच्या संदर्भात सोमेश्वर तुम्ही जे उदाहरण दिलं स्प्राउटचं वगैरे, आणि हे सगळं म्हणजे खतपाणी घालायचं काम आय मेडिटेट पण करत आहे आमच्या आयुष्यात, हे मला नक्की सांगावं असं वाटतं. आणि आज ऋषी पंचमीच्या निमित्ताने तुम्हा सर्वांचे पण खूप खूप आम्ही धन्यभागी आहोत, खूप आभार, खूप कृतज्ञता व्यक्त. थँक यू वर्षाजी, थँक यू व्हेरी मच. ब्लेस अस सो दॅट वी गो अहेड. या, कीप ऑन ब्लेसिंग अस. आपके आशीर्वाद देते रहिए, सब साथ में ही रहेंगे. वी ऑल आर टुगेदर, वी ऑल आर वन एक्चुअली. इट डजंट मैटर, इट्स जस्ट अ मैटर कि हमको लाइक वी आर हियर जस्ट शेयरिंग इट, यू नो. इट इज नथिंग लाइक दैट, कुछ नहीं है वो योग वशिष्ठ है या क्या. इट इज जस्ट अ शेयरिंग व्हाट वी फील फ्रॉम विद इन, इट इज दैट वी एंड अ टेक अवे ऑफ कोर्स व्हाट वी टुक अवे फ्रॉम दैट. सो इट इज जस्ट अ रिविजन. जब मैं यहाँ बोलती हूँ तो मुझे पूरा दिन वो याद रहता है कि मैंने क्या बोला है, व्हाट एवर डूइंग, है ना. इसलिए जब भी हम बोलते हैं ना तो वो अच्छा है, अपना मन सुनता है. इट इज नॉट कि वो हमारे लिए आप बोल रहे हैं, भले कोई भी छोटी सी पॉइंट हो, यू नो, बट दैट मन जब बात करता है ना तो वो मन सुनता है. मन सुनता है तो वो उसमें स्थित हो जाता है. दैट इज द पॉइंट, यू नो, पिन इट अप. That's it. So mind को हम वहाँ पे कर देते हैं कि क्या बोल के आया है अभी, चल क्या कर रहा है, चल देख अभी, you know, it goes on. So it is like that. So अब सब बात करते हैं ना तो अच्छा लगता है, you know, अपना अपना अनुभव बताते हैं तो ऐसा लगता है कि ओके, भले एक सेंटीमीटर ही सही, लेकिन हमको फायदा हुआ, हम आगे चले, उससे हम आगे चले. तो what is that? गुरुदेव says, keep on rowing your boat. Keep on rowing. आगे बढ़ते रहो, ऐसे है. ठीक है, थैंक यू वेरी नाइस. शाह जी ने जो व्यक्त किया है, आप सभी को भी, आप भी ऋषि के स्वरूप ही हो हमारे लिए, साधु संगत सभी संत के स्वरूप ही है, तो आप सभी को ऋषि पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं. एक्चुअली ये जो हम लोग चर्चा सत्र बताते हैं ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. जो हम लोग यहाँ पे ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हैं, अपने आप को व्यक्त करते हैं, इससे एक्चुअली पता लगता है कि क्या क्या टेकअवेज है, क्या क्या हो रहा है. तो थोड़ा उसके बारे में थोड़ा मैं और थोड़ा इसमें डाल देता हूँ. आई नो इट्स लेट टूडे, लेकिन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो टेकअवे होते हैं उसमें सेंट्रल थीम है ना, उस सेंट्रल थीम को हम लोग आगे बढ़ाते कि नहीं बढ़ाते, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. तो जो पद्मराजा और लीलावती की जो कहानी थी, उसमें सेंट्रल थीम क्या थी? द सेंट्रल थीम की दैट कि इसको नहीं छोड़ोगे तो यू विल बी स्टक इनटू द जन्म मृत्यु के फेरे में अटके रहोगे. दैट वाज द सेंट्रल थीम, राइट? पद्मराजा लीलावती की कहानी. द नेक्स्ट हमने आगे बढ़ के देखा कि जो अपनी नेक्स्ट सेंट्रल थीम थी, किसकी कहानी सुनी हमने? करकटी राक्षसी की कहानी सुनी. करकटी राक्षसी की मेन थीम क्या थी? पिछले जो संस्कार होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. मैंने इतना सब कुछ किया, तपश्चर्या किया, सामने ब्रह्मदेव खड़े भी रहेंगे तो मांगा तो क्या मांगा, छोटी छोटी चीज मांगी, जो हाईएस्ट है उसको छोड़ दिया. कुछ तो वेरी ट्रिवियल थिंग हमने जीवन में मांग लिया, लेकिन उसके बाद में भी फिर से विचारों से ही करते गए हैं तो फिर वो आत्मज्ञान को प्राप्त हो गया. वो एक मेन सेंट्रल थीम थी करकटी राक्षसी की. देन उसके बाद में हमने क्या देखा, इसमें और एक चीज देखने को मिली, इंदु पुत्र की जो कहानी थी, जिसमें अपने ही मन के संकल्प शक्ति से ही ब्रह्मत्व प्राप्त कर लिया. तो उसमें क्या, मन का सामर्थ्य वहां पे इज अ सेंट्रल थीम. इंदु पुत्र की कहानी में मन का सामर्थ्य, क्या अपना मन बहुत पावरफुल होता है, ये यहाँ पे सेंट्रल थीम थी. देन उसके बाद में हमने क्या देखा, जो दोनों जो इंद्र और अहिल्या की कहानी देखी, उसकी सेंट्रल थीम क्या थी? शरीर और मन एक नहीं है, शरीर अलग है, मन अलग है, शारीरिक एक ये जो होता है वो रहता है, और मानसिक सटल बॉडी भी रहती है जो शरीर के बिना भी रहती है, वो अस्तित्व में रहती है, लेकिन वो अलग अलग योनि में भोगने के लिए अलग अलग शरीरों को चाहिए होता है, तो अलग अलग शरीर में प्रवेश करके उसको भोगों को भोगती रहती. तो सेंट्रल थीम की मन और शरीर अलग अलग नहीं है, नहीं मतलब एक नहीं, अलग अलग है, एक नहीं है, अलग अलग है.
ये सेंट्रल थीम हो गया। आज जो हमने देखा तो इसमें दो मेन सेंट्रल थीम थी कि जो देह है, देह की हानि से आत्मा को कुछ फर्क नहीं पड़ता। आत्मा तो अजर है, अमर है, अविनाशी है, निराकार है, जिसका ना जन्म है, जिसका ना और छोर है। यह इसको कहानी को खत्म करते करते वो बताया। एंड देन उसके बाद में हमने चित्ताख्यान देखा। चित्ताख्यान का मेन सेंट्रल थीम क्या है? चित्ताख्यान का मेन सेंट्रल थीम है कि मन का जो हमने सामर्थ्य देखा इंदुपुत्र की कहानी में, चित्ताख्यान से हमें ये पता चलता है कि वहां पे इंदुपुत्र की कहानी में मन का सामर्थ्य माने मन क्या होता है, तारक रूप में दिखाई दे रहा है। मन क्या कर रहा है, आपको तार रहा है ना। चित्ताख्यान में हमने क्या देखा, मन आपको मार रहा है। तो चित्ताख्यान का मेन सेंट्रल थीम है कि मन मारक भी हो सकता है, तो सावधान हो जाओ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट थीम है। इत मन मार सकता है आपको, मन आपको एक्चुअली इट इज पुटिंग यू, इट ड्राउनिंग यू। कम ऑन, वेक अप एंड सी दैट रियलिटी कि मन आपको मार रहा है, मन मारक आपके लिए। तो उस मन के जो चंचल स्वभाव है, जो मारक वाला स्वभाव है, उसके बारे में आप अवगत हो जाओ, अवेयर हो जाओ, और फिर उसके मारक स्वभाव को छोड़ के फिर जो मन के सामर्थ्य है उसको पहचान के आगे बढ़ो। तो ये चित्ताख्यान का बहुत, बिकॉज वही दिखाया गया ना कि जो पुरुष जो दिखाया गया जिसके हजारों हाथ है और जिसको जो खुद को ही तकलीफ देते रहता है, वो कौन है? वो मन ही है। और वो क्या करता है मन वहां पे, वो अपने आप को आगे बढ़ा रहा है क्या? नहीं। वो चित्ताख्यान की सेंट्रल थीम है मन का मारक स्वभाव। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक अवे आज का। सो पॉन्डर अपॉन दैट एस्पेक्ट ऑल्सो कि मन जो है हमें मारक स्वभाव है, इस मन का मारक स्वभाव, उसके बारे में अवेयर होके उसको छोड़ो। नहीं तो फिर वो उसमें आपको उलझाए रखेगा, ऐसे ही आपकी तकलीफ है। और तकलीफ से मुक्त होना सब चाहते हैं, जानते नहीं है कि कैसे मुक्त होना है। कौन कौन तकलीफ में रहना चाहता है क्या? कोई नहीं चाहता तकलीफ में रहना, लेकिन उसके बावजूद भी यह मन के मारक स्वभाव से तकलीफ में रहते 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 बाहर नहीं निकल पाते। तो वो जो उपाय जो है, वो जो विवेक है, जो वशिष्ठ विवेक रूपी इसमें आके जो हमें नॉलेज देते हैं, जो अपने अंदर का विवेक, सत्सद विवेक बुद्धि हमेशा आपको अंतरात्मा आपको बताते रहता है सही गलत क्या है, लेकिन उस विवेक को हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। उस अंतरात्मा की आवाज को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, फिर से मन में फंसे रहते हैं। ये मेन सेंट्रल थीम है कि मन मारक है, उसको भी समझो। एंड देन मन तारक है, वो इंदुपुत्र की बाकी के जो मन का सामर्थ्य है वो वहां पे देखो। तो दिस वॉज द वन मोर एडिशन दैट आई वांटेड टू ऐड। ठीक है, और किसी को कहना है? जयश्री जी, अपर्णा जी, आशा जी इज ऑल्सो देयर। जय गुरुदेव भैया, मैं वही सोच रही थी कि जब पहले सुना था ना, ये वो आदमी जंगल में भागता है और खुद को ही हानि पहुंचाता है, तब भी एक क्लिक नहीं होता। पर अब भी जब आपने बोला ना कि वो एक एक पार्ट, जब वशिष्ठ उनसे बात कर रहे, तब वो एक एक पार्ट उसके गायब हो, जैसे सर है ना, छाती या पेट या पेट, तो उससे ये क्लिक हुआ कि जैसे बोलते हैं ना कि मन का हर थॉट हमारे फिजिकल ऐसे बॉडी पे इफेक्ट करता है ना, हर हर थॉट हमें उसका इफेक्ट, हमारे शारीरिक इफेक्ट होता है उसका। तो वो वही मुझे ध्यान में आया कि हाँ, ऐसे मन को अगर विवेक का फिल्टर नहीं लगाया तो वो कुछ दिनों बाद वो जैसे हेडेक होना, ये माइग्रेन होना, तो ये ऐसे पेन आता है सामने कुछ कुछ सालों बाद, है ना, तो वो आता है। और वो मेडिटेशन में वही ना कि वहां पे हम जाके वो हमारे जो थॉट है तो हम क्लीन करते, तो वो उस पार्ट पे वो क्लीन हो जाता है ना, तो वो ऑटोमेटिक गायब हो जाते हैं। ऐसे मुझे थोड़ा मैंने ये किया यार, हाँ ये बढ़िया है ना, ऐसे कि कितना इजी ना कि हाँ, वो अगर थॉट वहां पे इफेक्ट कर रहे हर बॉडी पे, तो वो हम ऐसे रिमूव ही कर सकते, तो वो बाद में जो आने वाला कुछ होता है, कुछ आजार वगैरह, तो वो नहीं होते। तो वो हम विवेक से अगर ये करे तो हम वो कर सकते कि हाँ, इसका इफेक्ट नहीं होगा फिर बॉडी पे, ऐसे मुझे लग रहा था। Absolutely fine, जयश्री जी, यही है कि मन का स्वभाव मारक भी होता है, मन का स्वभाव तारक भी होता है, और उस मारक तारक स्वभाव जो उसको नहीं पकड़ेंगे, स्वभाव तो नहीं बोल सकते, उसका विवेक का जो तारक वाला जो रूप है, मन की जो शक्ति होती है, क्योंकि मन शक्ति ही है, तो वो शक्ति को पहचान के उसके
मारक स्वभाव को विवेक के माध्यम से रोक के उस तारक में लेके जाना, ये प्रैक्टिसेस है। और ऐसा नहीं करेंगे तो फिर खाई है। फिर जो जयश्री जी ने बताया कि आपको जो व्याधि होती है, दुख जो आता है, वो तो निहित है फिर, तो फिर भुख तो फिर वो है। तो कुछ लोग उसको भुगतने के बावजूद समझते नहीं है, फिर बार बार भुगतते रहते, बार बार भुगतते रहते, बार बार भुगतते। ये मन के तारक स्वभाव को चित्ताख्यान यहाँ पे व्यक्त करते हैं। बहुत बढ़िया। अपर्णा जी, नीला जी, सूर्या जी, आपको कुछ कहना है? आपका नाम बताइए। हाँ। आशा, हाँ एक मिनट अपर्णा जी, अपने साथ आपका नाम बताइए दादी। आशा, आशा ही नाम है ना, ठीक है, ओके। आशा, आपको कुछ कहना है? आपको आपको बताना है, कुछ व्यक्त होना है, आपको बात करना है? थैंक यू। ओके ठीक है। हाँ अपर्णा जी, आप अनम्यूट कर ले अपने आप को। हाँ, मुझे वो मन की जो बात जो संगीता जी ने बताई वो सच में बहुत पॉइंटेड हुई कि लाइक मुझे कसो नहीं जरा रेंज तब प्रॉब्लम में भी बाहर आ लिया, तब वीडियो नहीं ऑन कर सकते तो म्हणजे ते मनाचं जसं आहे ना की जसं आपण सकाळी बाहेर पडतो आणि जेव्हा संध्याकाळी जेव्हा घरी येतो दिवसभर थकून तेव्हा आपल्याला कसं बरं वाटतं, तसंच सेम मी आता माझ्या स्वतःला पण रिलेट केलं। मॉर्निंगला साधना करते, ध्यान करते, जेव्हा संध्याकाळ होते तेव्हा परत जेव्हा मी ध्यान करते तेव्हाच एकदम मस्त रिलीफ वाटतं, तो सगळा थकवा गेलेला असतो। तर तसंच म्हणजे की मनाचं नाही का ती गोष्ट मला खूप हे झाली की बरोबर आहे, कुठेतरी थांबलं पाहिजे आणि परत फिरून यायला पाहिजे प्रत्येकाने, तेव्हाच तुम्हाला म्हणजे खऱ्या अर्थाने आपण मनावरती पण कंट्रोल करायला शिकू। ज्या क्षणी थांबू आणि परत फिरू तीच खरी आपली मनावरती विजय असेल। दैट्स अ व्हेरी नाइस लर्निंग, एब्सोल्युटली। गुरुदेव कहते हैं ना कि मेरे जो वॉलंटियर्स रहते उनको मुझे इंस्पायर मतलब उनको मोटिवेट नहीं करना पड़ता है, वो तो 16 घंटे काम करके इसमें हो जाते, तो उनको बोलना पड़ता है कि चलो आ जाओ, रुक जाओ, कूल डाउन। So that is also very important. रुकना जानते नहीं है, वो रुकना जरूरी है, लौटना जरूरी, अपने आप में स्थित होना भी जरूरी है। तो बहुत बढ़िया स्टोरी संगीता जी ने यहाँ पे बयान की, वेरी नाइस। इट्स ऑलरेडी 9:29, किसी को और कुछ कहना है तो कहिए, अदरवाइज आज के सत्र को हम लोग यहाँ पे रोक लेंगे। ठीक है, आज का सत्र यहाँ पे समापन करते हैं, रुक जाते हैं, स्वल्प विराम लेते हैं ताकि पुनः एक बार कल मिल पाए। जय गुरुदेव।